बाबू पानी में बाबू है ना, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, कौन सा चैप्टर, साउंड चैप्टर। तो साउंड चैप्टर प्रोड्यूस क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन से, ठीक, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब आगे बढ़ता कैसे, किस रूप में बढ़ता है, वेव के रूप में, है ना, आगे कैसे बढ़ेगा, वेव के रूप में, वेव के रूप में। तो थोड़ा सा वेव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वेव मेरा बाबू बताया था, वेव मेरा कितना टाइप का, दो गो टाइप का, वेव मेरा कितने टाइप का, दो गो टाइप का है ना, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। एक क्या होता है मैकेनिकल वेव होता है, लिखा दिया है ना वो, लिखा दिया, और एक क्या होता है नॉन मैकेनिकल वेव होता है, नॉन मैकेनिकल वेव है ना, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होगा सेटान, शांति समझो, वैसा वेव बहु जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना, जिसको मीडियम चाहिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे, और जिसको मीडियम नहीं चाहिए, है ना, जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। नहीं कुछ समझ में आया, देखो कैसे नहीं समझना है ना, कुछ नहीं समझना। जैसे हम यहाँ से फोन लगाते हैं है ना, तो ये बाबू कहाँ जाता है, सेटेलाइट के पास जाता है। तो बीच में क्या, एटमोसफेयर का पार करेगा तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। एटमोसफेयर का पार करेगा तो ऊपर क्या वो वैक्यूम है ना, क्या वैक्यूम है ना। तो वैक्यूम में कोई भी चीज, वैक्यूम हम लोग कब कहते हैं, है ना, वो किसी चीज को वैक्यूम कब कहोगे, जब वहां पे कोई एयर वगैरह नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे। शांति से समझो, समझा देते हैं ना। जैसे मान लो एक बीकर ले लो, ठीक ठीक सर, इसको एयर टाइट कर दो, टाइट कर दिया सर, ढक्कन लगा दी ना, तभी इसके अंदर क्या है, हवा है। अब इस हवा को बाबू, किसी बाबू है ना बाबू, आप लोग के पास वो है ना हवा, इसको क्या करो, बाहर निकाल लो, है ना बाबू। एक वैक्यूम पंप आप लोग के पास में हो रहता है ना, वो वैक्यूम पंप क्या करता है ना, वैक्यूम क्लीनर रहता है ना, वो क्या करता है, सोखने का काम करता है। ऐसे वैक्यूम क्लीनर रहेगा, जहां रखेगा वहां से सब डस्ट वगैरह क्या करेगा, अपने अंदर की ओर खींच लेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर लगा दो, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, जो भी एयर मोलकुल्स है ये सारा का सारा क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। फिर इसको क्या करो, पैक कर दो। तो अब ये जो बीकर तैयार हुआ, अंदर से हवा निकाल दिया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं ना, वैक्यूम कहते हैं ना, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव के लिए वो मीडियम की जरूरत नहीं होता, वो वैक्यूम में भी पार हो जाएगा। जैसे बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया है ना, जैसे हम लोग कॉल वगैरह करते हैं या सेटेलाइट से जो वेव आता है, सेटेलाइट से भी मेरा क्या आता है, वेव आता है ना। तो वो सब कैसा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नॉन मैकेनिकल वेव को क्या कहेंगे, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो ईएमडब्ल्यू है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होता, ठीक। लेकिन मैकेनिकल वेव को हमको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या क्या हो सकता है, गैस हो सकता है ना, गैस हो सकता है ना। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है ना। तो बिना बाबू मीडियम के, बिना बाबू नॉन मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे साउंड वेव है, तो साउंड वेव मेरा क्या होता है, वो मैकेनिकल वेव होता है। क्योंकि वो अगर यहाँ पे साउंड है बाबू, तो यहाँ से हवा हटा दोगे ना, हवा यहाँ से हटा दोगे ना बाबू, तो साउंड आप तक जेबे नहीं करेगा। जाके बाबू यहाँ पे जाओ, मैंने कहा जाओ इन्वर्स में जाओ, है ना, इन्वर्स मेरा क्या है, तुम वहां पे जाके क्लास लो, तो वहां पे जाके क्लास लो बाबू, तो वहां पे जाके क्लास लो बाबू, तो आपको क्या करेगा, यहाँ से हम बोलेंगे, लेकिन बोल रहे हैं बाबू, तो इस जो साउंड एनर्जी, इसको ले जाने के लिए कोई मीडियम है नहीं, हवा है नहीं, हवा नहीं बहुत, तो साउंड कैसे बढ़ेगा। तो हम जो बोलेंगे, मेरे पास ही रह जाएगा, मेरे पास ही रह जाएगा। आपको वो वीडियो दिखाया था ना, साउंड मेरा कैसे प्रोपोगेट करता, मान लो इस तरह से क्या, एयर में मेरे पास क्या, एयर मॉलिक्यूल है, इस तरह से है ना, एयर मॉलिक्यूल है बाबू, है ना, ठीक बाबू। अब ये क्या करता है, यहाँ से मान लो कोई स्पीकर वगैरह, यहाँ से क्या स्पीकर वगैरह है ना, स्पीकर वगैरह है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसमें गाना बजेगा, तो ये अपने बगल वाले को क्या करेगा, वाइब्रेट कराए, यही वाइब्रेट होते होते क्या करेगा, इधर मान लो बाबू कान रखोगे, इधर अपना कान रखोगे शैतान है ना, इधर अपना कान रखोगे, तो ये सारा का सारा एयर क्या जाएगा, कान के अंदर जाएगा, ईयर कैनाल होगा, है ना। तो इसमें क्या करेगा, आपको जाएगा, आपको क्या हो सुनाई देगा। तो यहाँ साउंड जा कैसे रहा है सर, ये हवा है तभी ना जा रहा बाबू। अब बीच से हावे हटा दो, बीच से क्या करो, हावे हटा दो, तो यहाँ से जो गाना बजेगा, ले जाने वाला कोई है ही नहीं, तो इसको सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए है ना बाबू, वैसा वैसा वे बाबू है ना, वैसा वे जिसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे एयर मीडियम था, तो जिसको मीडियम चाहिए उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं, और जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। तो जो रेडियो वेव होता है ना, रेडियो से जो सिग्नल निकलता है ना, मोबाइल से है ना, मोबाइल वगैरह जो सिग्नल निकलता है, ये क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव होता है। ये हवा रहे चाहे नहीं रहे, है ना, ये हमेशा बाबू पार हो जाएगा, पार हो जाएगा ना, हमेशा आपको क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा, है ना। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, वेव होता है ना, एक मैकेनिकल वेव होता है, एक नॉन मैकेनिकल। अब हर जो बीच में जो नेटवर्क नहीं आता है उसका भी तो कोई कारण होगा। हाँ वो बीच में वही बाबू है ना, मान लो बहुत सारे ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं बाबू, है ना, इंटरफेरेंस वगैरह होता है ना, बीच बीच में देखता आपका नेटवर्क छूट जाता है ना, तो छूट जाता है वो, तो आपको बहुत सारे, जैसे मान लो कहीं इलेक्ट्रिक पोल है ना, जो भी वेव आते बाबू है ना, तो बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल भी मिलेगा खेत वगैरह में, देखते हो ना, तो वहां से बाबू इधर इलेक्ट्रिक करेंट, उधर से मैग्नेटिक वेव, अब उसमें
इंटरफेरेंस करके कभी कभी क्या होता है वो है ना, नेटवर्क छोड़ देगा या कभी कभी डिस्टॉर्शन आएगा, लगा कहीं खोना और लग जाता कहीं, है ना। तो ये सब एरर वगैरह आते हैं, ये सब क्या होते हैं एरर वगैरह आते हैं ना, एरर वगैरह आते हैं ना। नीट हो तो मैकेनिकल वेव ये आपको कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का, एक ट्रांसवर्स होता है एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। पहले मैकेनिकल वेव के बारे में लिखा देते हैं ना, मैकेनिकल वेव के बारे में लिखाएंगे, फिर ट्रांसवर्स पढ़ेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल पढ़ेंगे, ठीक। वीडियो ऑन करो, सर वीडियो ऑन नहीं करेंगे क्योंकि डाटा बचाएंगे तब फिर वीडियो देखना है सुबह का बैटरी का। बहुत कूटेंगे इतना शैतान, काहे ने क्वेश्चन बनाए भाई इसको। अब मैकेनिकल वेव को डिफाइन करो अब। सर उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट है, जैसे 18 नंबर 22 में डाउट है। हाँ तो पहले बाईस को बनाई तो वो कहाँ गया, मैकेनिकल वेव वो, मैकेनिकल वेव हम लोग डिफाइन भेज देंगे आपको क्लास के बाद बना। हाँ भेजो जल्दी से, मम्मी सब फोन करते शैतान। मैकेनिकल वेव बाबू इसको डिफाइन करो बाबू, मैकेनिकल वेव को हमको क्या चाहिए बाबू, मीडियम चाहिए। मीडियम कैसा सर, सॉलिड लिक्विड गैस तीन वो मीडियम है ना, तो कोई भी मीडियम रहेगा इसको मीडियम चाहिए, मतलब इस वेव को ले जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए ना, मीडियम चाहिए ना बाबू, है ना बाबू। वेव बाबू द वेव भीच लिखो बाबू, द वेव बाबू भीच बाबू, भीच बाबू रिक्वायर मीडियम, दबे बाबू भीच रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए मीडियम चाहिए ना, इट्स कॉल्ड बाबू मैकेनिकल वेव। तो साउंड मेरा क्या है, जिस जिस वेव को आपको मीडियम चाहिए वो आपका क्या होगा, मैकेनिकल वेव होगा, है ना। जैसे स्ट्रिंग में धागा बाबू बांधो एक साइड से ऐसे करो तो धाना आपको धागा को क्या होगा, कंपन होगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, धागा वाला मीडियम चाहिए, तो भी मेरा क्या होगा मैकेनिकल, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव बाबू वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, मैकेनिकल वेव बाबू कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब क्या बाबू, जहां पे एयर रहे नहीं, एयर मॉलिक्यूल रहे ही नहीं, वैक्यूम। नेक्स्ट होला साउंड वेव, इसका एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे बाबू, जैसे साउंड वेव, ठीक है ना बाबू, साउंड वेव हो गया बाबू। और क्या कह सकते हो, वाटर पे, वाटर में जाकर ढेला मारो तो वो क्या चलता है, वेव चलता है, वेव चलता है ना बाबू, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, वेव्स बाबू ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो गया, जैसे क्या हो गया साउंड वेव बाबू, वेव्स बाबू ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे, सरफेस ऑफ वाटर। और क्या लिख सकते हो, स्ट्रिंग वेव बाबू, धागा में बाबू, धागा को कैसे सर, भाई आप लोग का होगा बाबू, भाई को एक साथ धागा ले लो, है ना, देखो शैतान, एक साइड ऐसे तार ले लो, बढ़िया वाला लूज वाला ये थ्रेड लेना, है ना, एक साइड ये तो हार्ड वाला थोड़ा, ऐसे पकड़ के खेलते रहो, खेलते रहो, तो देखना इस तरह से क्या चलेगा, वेव चलेगा, इस तरह से क्या चलेगा, वेव चलेगा, है ना, थ्रेड लेना एक साइड, भाई को पकड़ने करना, इधर से ऐसे करना, है ना। तो ये जो वेव चलेगा ये सब हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग वेव कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रिंग वेव कहेंगे, क्या कहेंगे बोला, स्ट्रिंग वेव कहेंगे ना, स्ट्रिंग वेव कहेंगे, है ना, ठीक। तो ये सब क्या है सर, मैकेनिकल वेव, ये क्या मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है ना बाबू, देखो सर इससे था ये शैतान, ये सबको बाबू बाप ये शांता नहीं, बिट्टू शैतान ये क्या हो गया जी, सर आपका आवाज नेटवर्क नहीं है, आपका संत नहीं, कहा हो गया बाबू, नेटवर्क ही नहीं इसको है, नहीं सर पापा के मोबाइल से वाईफाई ली थी लेकिन फिर भी काम नहीं किया। जयमंगला स्थान ऑन करो जी, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव दो तरह के होता है, मैकेनिकल वेव का टाइप्स बाबू, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव बाबू किसके टाइप्स बाबू, ऑन द बाबू है ना बाबू, ऑन द बाबू बेसिस ऑफ क्या, वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके आधार पे क्या, ऊपर में आपको ये बताया बाबू, है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल का आधार दो टाइप है ना बाबू, कैसा सर, ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, ऊपर टेबल बना हुआ है ना जी, प्रीवियस क्लास में आपको टेबल बनाया था, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मेरा कैसे वाइब्रेट कर रहा बताते हैं, वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स,
पार्टिकल्स दो तरह के बाबू, एक वन बाबू क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक वन क्या ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव लिखो, समझा देते हैं, पहले लिखो, अभी इतना जगह था लिखे लो बाबू। वेव्स बाबू जो नहीं आया उसका छूटेगा, वेव्स बाबू बीच बाबू भाई। सर सेकंड पॉइंट में लिखे मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल के बाद थ्रू होगा ना, मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कैन नॉट ट्रैवल वैक्यूम इन वैक्यूम है ना बाबू, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करता। सर सर ट्रैवल थ्रू होगा ना, कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, थ्रू भी लिखो, एक भाई वैक्यूम में भी ट्रैवल नहीं है करता बाबू, कोई दिक्कत नहीं लिख सकते ना। वेव्स बाबू हम लोग ट्रांसवर्स वेव कैसे किसको कहेंगे, वेव्स बाबू इन व्हिच इन बीच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, इसका वीडियो दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल सर वो वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स या फिर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ इन बीच बाबू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बाबू, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का वाइब्रेशन बाबू कैसे बता रहे हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर बाबू, इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of waves, ink bhi khatam ho gaya, dekho sir dance samjhate ho, direction of propagation of waves, propagation of wave kehne ka matlab wave kya aage badhta hai, wave kya hota hai aage badhta hai na, dekhe babu इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा, जो लाइट वेव होता है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब सारा का सारा क्या होता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट वेव बाबू, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एग्जाम्पल ईटीसी बाबू, ये सब सारा का सारा क्या होगा बाबू, सारा का सारा क्या होगा मेरा ट्रांसवर्स वेव होगा, कैसे सर हमको नहीं पूछो समझ में आ रहा, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लीजिए। ए रोशनी कौन कौन गया जी, जल्दी लिखो बाबू, आज बहुत सारा एब्सेंट है, सब सरस्वती जी को बाबू छोड़ने गया क्या, आप लोग भी गजब कॉमेडी करते हो जी, एक दिन सरस्वती जी को लाने जाएगा, एक दिन सरस्वती जी को छोड़ने जाएगा, सर डांस कर रहा होगा, सर सरस्वती जी को छोड़ने गया होगा तो डांस कर रहा, हाँ बाबू छोड़ने में शैतान रोता कितना बाबू विडम्बना है, छोड़ने में वो किसी के रुलाई होता है तो यहाँ पे सब डांस बना के खुशी मनाता है, सरस्वती जी को छोड़ने जा रहे था, देखते रहे बाबू सर वीर से खेला जाता, देखते हो घर में बेटी वगैरह का विदाई होता था कितने गार्जियन से रोते हैं, तो यहाँ पे सरस्वती जी बेटी के समान है, विदाई होता तो रोना चाहिए लेकिन सब धूम धड़ाका देख रहे थे रोड पे, दम शादी में तो दहेज भी दिया जाता है, यहाँ तो नहीं दिया जाता है, उसी का खुशी मनाया जाता है। नेक्स्ट जैसे मान लो बाबू मेरा वेव कुछ इस तरह से वेव मेरा चल रहा है ना, पानी का वेव ऐसे चलता है ना बाबू,
ठीक सर, यहाँ पे मान लो थोड़ा सा पार्टिकल ले लो, तो यहाँ पे पानी कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे अभी हम वीडियो दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा, अप डाउन हो जाएगा, इधर क्या हो गया, और वेव मेरा किधर प्रोपोगेट करेगा, इस डायरेक्शन में, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना बाबू। वेव मेरा ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यहाँ वाला पार्टिकल बाबू मान लो ऊपर जाएगा थोड़ा देर के लिए, या फिर क्या होगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, है ना, ठीक है ना। तो पार्टिकल का मोशन ऐसे, अब वेव का मोशन ऐसे, एक दूसरे से कैसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे वेव को क्या कहेंगे बाबू, ये ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ट्रांसवर्स। अरे वेव मेरा ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे आगे बढ़ता, ठीक। अब मान लो बाबू हाथ ऐसे हुआ, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा ये अप होगा, फिर मिडिल आएगा, फिर डाउन होगा, यही होगा ना। नॉर्मल पोजिशन यहाँ पर बना होगा, मेन पोजिशन बाबू, हम समझ रहे हैं आप लोग की भावना ऊपर ऊपर पार हो रहा है, ठीक। हम भी सोच रहे हैं बाबू कि बता दे, वीडियो दिखाएं, लेकिन बाबू आधा सब आया नहीं ना। यहाँ वाला पार्टिकल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक सर, फिर ऊपर से फिर कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल, क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब वेव मेरा ऐसे जा रहा है, तो अब वेव मेरा ऐसे जा रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे से कैसे परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया, पार्टिकल का मोशन। अब वेव मेरा कैसे जाएगा, रेड पेंसिल दर्शाते बाबू, वेव का मोशन कैसे, इस तरह से, इधर मेरा क्या है, वेव है, ठीक ठीक बोलो, और इधर क्या है, पार्टिकल का मोशन है, ये तीन को पार्टिकल हो गया, और इधर क्या हो गया, इससे क्या हो गया, पार्टिकल का क्या हो गया, मोशन हो गया। तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बने, है ना। ये क्या हो गया, मोशन ऑफ पार्टिकल है बाबू, इसको हटा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल बाबू, ठीक ना, समझ में आ रहा है सर, आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसा आज तक कभी हुआ जो पढ़ाने बोलना है, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना, बर्दाश्त करो। नेक्स्ट हो, सेकेंड वन कैसे होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, सेकेंड वन कौन है वो, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, इसको भी लिख के खत्म करते हैं, रोना नहीं है जी, अरे आज बहुत कम बचा है ना, आज भी वीडियो दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे, तो हमको टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आज लिखा देते हैं, जो नहीं आया उसको फिर हम कल समझा देंगे, आप लोगों को भी समझा देंगे, डरना नहीं बाबू, कि ना समझ में आया, हम समझ रहे हैं कि कैसे पार्टिकल वाइब्रेट, आप लोग तो मन में सर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, तब क्लियर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे करेंगे बाबू, इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इधर वेव जाता है ना, उधर उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, पार्टिकल का क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ऐसे वेव को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, ना समझ में आ रहा, चलो लिखो बाबू, वेव्स बाबू, इसी को दोहरा नीचे वाला लाइन को बाबू, जो नीचे वाला लाइन लिखा हुआ है, वेव्स बाबू इन बीच बाबू, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल बाबू, वेव्स बाबू इन बीच बाबू, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम इज parallel to is parallel to the direction of parallel to the direction of propagation of wave मतलब इसमें सर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, जिधर वेव जाएगा उधर ही पार्टिकल मेरा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, जैसे साउंड वेव हो मेरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ध्यान देना, आपको क्वेश्चन आएगा साउंड वेव कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव कैसे होता है, ट्रांसवर्स में डी के बाद आई नहीं लगाएं, क्या कर रहा, लॉन्गिट्यूडनल में डी के बाद आई होगा, डी के बाद आई होगा, longitudinal longitudinal and the longitudinal next one, इसका example क्या होगा, ये आपका साउंड वेव हो गया, क्या हो गया, साउंड वेव हो गया, ठीक, साउंड वेव मेरा कैसे प्रोपोगेट करता है, देखो कौन मैसेज खोला, ये मेरा क्या है सर, एयर मॉलिक्यूल से बहुत सारा,
जल्दी से बनाए, जल्दी से बनाए बाबू। ठीक है, ये क्या एयर मॉलिक्यूल्स है, क्या एयर मॉलिक्यूल्स है, जल्दी से डरा करो जी। सर यूनिवर्स में कोई वाटर लेके जाएगा, गिरा देगा तो वो उड़ने लगेगा। पर ग्रेविटी नहीं ना होता बाबू, आप लोग बाबू ये वीडियो वगैरह नहीं है स्पेसक्राफ्ट वाला देखते बाबू, पानी गिरा तो इसी तरह से क्या करता है, फ्लोट करते रहता है ना, फ्लोट करते रहता है। ये क्या हो गया, एयर पार्टिकल्स है, क्या एयर पार्टिकल्स है ना, एयर पार्टिकल्स है। तो कोई भी यहाँ पे वो क्या मान लो यहाँ लोग पार्टिकल उठाते हो, तो वेव मेरा ऐसे बढ़ रहा है, वेव ऐसे बढ़ता, और इस पार्टिकल का भी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। मान लो यहाँ वाला पार्टिकल है तो ये पार्टिकल भी इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, अब वेव भी मेरा क्या बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है ना। तो इससे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गी ट्यूडेंट है, यहाँ पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे है, अब वेव भी मेरा ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, तो इसको हम लोग कौन सा वेव कहेंगे, लॉन्गी ट्यूडेंट वेव कहें ना। अब पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे, अब वेव आगे पीछे, इस तरह से नागिन वाला, नाग वाला, नाग वाला जो वेव होगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांसवर्स वेव बनेगा, और ये वाला जो वेव बनेगा कौन सा बनेगा, साउंड वेव मेरा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। वीडियो दिखाया ना वो, हवा ऐसे ही ना आगे पीछे होता है, अब कोई को पार्टिकल उठा हुआ तो उसका वाइब्रेशन क्या होगा, टू एंड फ्रो होगा ना। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, आपका वो लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे ना, ये वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स हो गया। पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इसको कल हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, वीडियो दिखाएंगे है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रोना नहीं है कि सर नहीं समझ में आया, हम समझ रहे, भावना मैसेज आ रहा है मेरे पास अंतरात्मा से, आप लोग का मैसेज आ रहा है सर नहीं है, सब समझ में आया। गुड इवनिंग सर। हाय शैतान, बड़ी जल्दी गुड इवनिंग हो जाता है। कौन कौन भागा जी, गौरव है, समृद्ध, शैतान का समृद्ध है, सुजीत है। देखो इसका कल हम लोग वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव का इसका सारा का देख लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज सारा बच्चा कल होमवर्क बना के आएगा, नहीं बना के लाएगा वो बहुत बेइज्जती करेंगे, जो जो नहीं बना के लाएगा।